बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसका कष्ट दूर हो, उसको मदद मिले, हमें ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है। इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुंचता है तो या उससे संपर्क करता है, उसकी बात सुनता है, तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है। बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं जब होम आइसोलेशन में रह रहे परिवार के पास प्रशासन के लोग ऑक्सीमीटर लेकर जाते हैं, दवाएं लेकर जाते हैं, तो उसकी खोज खबर लेते हैं, तो उस परिवार को संबल मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं। साथियों, कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। साथियों, पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर दिया। जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना, कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है।